अपनी एक अलग ही और खास पहचान बना रखी है चर्चित बच्चन फैमिली ने, जहां एक तरफ सदी की महानायक कही जाती हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, जो लंबे समय से फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं, वहीं बात की जाए दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन के बारे में। जया बच्चन, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति की दुनिया में अपनी पहचान बना रखी है, वहीं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बेटे और बहू भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन भी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन इन सभी से हटकर एक अलग ही लाइन चुनी है अमिताभ बच्चन की लाडली प्यारी बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने। श्वेता बच्चन नंदा, जो महज 21 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध गई बिजनेस टाइकून निखिल नंदा के साथ, और शादी के बाद श्वेता बच्चन नंदा बीते कई सालों से मुंबई में रह रही हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ अपने बिजनेस की वजह से, वेल श्वेता बच्चन नंदा, जिन्होंने लाइमलाइट से अलग ही अपनी लाइन को चुना है, एक अलग ही फैसला लिया है। लाइमलाइट से दूर रहकर वह करोड़ों की कमाई कर रही हैं। जहां एक तरफ श्वेता बच्चन नंदा ने अपनी अलग पहचान बना रखी है एक बिजनेस वुमेन के तौर पर, वही अगर बात की जाए यहाँ पर उनकी लाडली प्यारी बेटी नव्या नवेली नंदा के बारे में, नव्या के लाइफ स्टाइल, नव्या के फैसलों पर बात करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। नव्या नवेली नंदा, जो कई वजह से चर्चा का विषय बनती हुई देखी जाती हैं, सोशल मीडिया पर आए दिन तस्वीरें शेयर करती हुई नजर आती हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखती हुई भी देखी जाती हैं। सामाजिक मुद्दों पर भी वह अपनी बात रखती हुई देखी गई हैं। नव्या फिल्म इंडस्ट्री से दूर अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं। महज 25 साल की हैं नव्या, और आपको बताएंगे कि इतनी कम उम्र में वह क्या कुछ करके दिखा रही हैं। आइए बताते हैं नव्या के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की पॉपुलर स्टार किड्स में शुमार हैं सदी की महानायक अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा। जी हां, अमिताभ बच्चन की लाडली प्यारी बेटी श्वेता बच्चन नंदा और बिजनेस टाइकून निखिल नंदा की बेटी नव्या नवेली नंदा भले ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम ना रखी हो, लेकिन चर्चा का विषय बनी रहती है। सोशल मीडिया पर नव्या काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, फैंस के बीच तस्वीरें वीडियो शेयर करती हुई नजर आती हैं, वहीं अपनी ओपिनियन भी शेयर करती हुई देखी जाती हैं। कभी कभी नव्या सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखती हुई नजर आती हैं। बता दें आपको, इंस्टाग्राम पर नव्या नवेली नंदा की 535 के फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया पर नव्या अपने ग्रैंड फादर भी। सोशल मीडिया पर नव्या अपने फैमिली मेंबर्स को भी फॉलो करती हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि अमिताभ बच्चन अपनी लाडली प्यारी नातिन नव्या पर गर्व महसूस करते हुए भी दिखाई देते हैं। नव्या अभी महज 25 इयर्स की हैं, लेकिन नव्या ने पूरे ही परिवार को खुद पर गर्व भी महसूस कराया है। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे नव्या के लाइफ स्टाइल पर, नव्या की नेटवर्थ के बारे में। नव्या, जिन्होंने विदेश से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की लाडली प्यारी बेटी श्वेता बच्चन नंदा एक जर्नलिस्ट, एक राइटर और फैशन डिजाइनर के तौर पर जानी जाती हैं। मॉडलिंग की दुनिया में भी श्वेता ने अपनी खास पहचान बना रखी है। वहीं अपने पिता अमिताभ बच्चन के साथ कई विज्ञापन में भी नजर आ चुकी हैं। श्वेता बच्चन अपने पति निखिल नंदा से दूर रहकर मुंबई में एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं। अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही हैं श्वेता बच्चन नंदा। वहीं दूसरी ही तरफ नव्या के पिता अमिताभ बच्चन के दामाद
निखिल नंदा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये कंपनी कृषि से संबंधित यंत्रों का निर्माण करती है। वहीं नव्या भी अपने पिता के साथ इसी बिजनेस में हाथ बटा रही है। नव्या ने अपने इंटरव्यू में कई बार खुलासा किया है। नव्या ने बताया है अपने फैसलों के बारे में। जिस तरीके से नव्या की माँ श्वेता बच्चन नंदा ने एक अलग ही पहचान बना रखी है, उनका अपना फैशन लग्जरी ब्रांड है। श्वेता ने अपने बचपन की दोस्त मोनिशा जैसिन के साथ मिलकर MXS नाम से एक फैशन ब्रांड लॉन्च किया था। वहीं श्वेता मॉडलिंग भी करती हैं और इस तरह से श्वेता अपने बिजनेस के जरिए करोड़ों की कमाई कर रही हैं। लेकिन यहां पर बात की जाए नव्या नवेली नंदा के बारे में। नव्या नवेली नंदा ने अपनी इंटरव्यू में एक अलग ही बात कही। नव्या ने महिलाओं पर बात कही तो वहीं नव्या ने अपने डिसीजन को लेकर भी खुलासा किया। नव्या जिन्होंने विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। जानकारी के लिए आपको बता दें नव्या नवेली नंदा ने न्यूयॉर्क की फॉर्डबर्न रिपीट जानकारी के लिए आपको बता दें नव्या नवेली नंदा ने न्यूयॉर्क की फॉर्डम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। नव्या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए अपने दिलकश अंदाज के जरिए भी फैंस को दीवाना करती हुई नजर आती हैं। नव्या ने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। कॉलेज के बारे में बताने से पहले नव्या ने जी हाँ जानकारी के लिए आपको बता दें कि नव्या ने फॉर्डम यूनिवर्सिटी जो कि देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, यहाँ से नव्या ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। वहीं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नव्या ने फैसला लिया है अपने पिता निखिल नंदा के साथ काम करने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हुआ कि नव्या निखिल नंदा के साथ बिजनेस सेक्टर में काम करना चाहती है, वह उनके बिजनेस में हाथ बटाना चाहती हैं। वहीं बीते कुछ महीनों पहले एक मैगजीन के इंटरव्यू में नव्या ने कहा कि वह अपने खानदान की चौथी पीढ़ी हैं और पहली महिला होंगी जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। उन्हें अपने ग्रेट ग्रैंडफादर HP नंदा की विरासत को आगे ले जाने में फख्र महसूस होगा। नव्या ने अपने दिल की बात कही यहाँ पर। वहीं दूसरी ही तरफ अमिताभ बच्चन नव्या के इस फैसले को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हुए। सोशल मीडिया पर नव्या को उन्होंने बधाई दी। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लिखा, नव्या आप पर मुझे बहुत ही गर्व है, आपने हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराया है, आपको मेरा ढेर सारा प्यार। नव्या नवेली नंदा को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा प्राउड महसूस किया और इस तरह से नव्या ने पूरे ही बच्चन परिवार को गर्व महसूस कराया है। इतना ही नहीं, नव्या नवेली नंदा जो एक NGO से भी जुड़ी हुई है, नव्या नवेली NGO के जरिए भी एक अलग और खास पहचान बना चुकी है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि नव्या नवेली नंदा ने एक और अहम फैसला लिया। नव्या ने बताया सोशल मीडिया के जरिए कि उनके संस्था का नाम है न्यारी। उन्होंने अपनी संस्था की टैगलाइन और लोगों को शेयर करते हुए बताया कि हम मानते हैं कि कानूनी अधिकार हवा में काम नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं को न्याय मिले तो हमें उन्हें मजबूत बनाना पड़ेगा और उनके अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमने विशेष सेवाएं देने का फैसला किया है जो महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए काम करेगा। नव्या ने इस अनोखी पहल के लिए अपनी टीम के सदस्यों का भी आभार जताया और कहा, हमारी इस शानदार टीम का भी शुक्रिया। इस तरह से नव्या ने सोशल मीडिया के जरिए
सभी को इम्प्रेस किया। दूसरी ही तरफ नव्या नवेली नंदा बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ रिश्ते को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई नव्या और आर्यन की, लेकिन उस दौरान नव्या ने बताया कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वहीं एक्टर मिर्जान जाफरी के साथ भी अफेयर की खबरों को लेकर वह काफी ज्यादा सुर्खियों में रह चुकी हैं। नव्या कहती हैं मिर्जान जाफरी उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर नव्या की नेटवर्थ के बारे में, जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम नहीं रखा है, नव्या नवेली नंदा करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। तकरीबन $2 मिलियन की संपत्ति की मालकिन है नव्या नवेली नंदा। जी हाँ, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जाता है। नव्या एनजीओ से जुड़ी हुई है, बिजनेस में हाथ बटा रही हैं अपने पिता का, और इस बिजनेस के जरिए वह करोड़ों की संपत्ति की मालकिन अभी से बन चुकी हैं। नव्या के ये फैसले वाकई में हर किसी के दिल को छू लेते हैं। बता दें आपको, निखिल नंदा दिल्ली में रहते हैं एक आलीशान घर में। निखिल नंदा से जब भी नव्या मिलने जाती हैं दिल्ली, उस दौरान सोशल मीडिया पर अपने घर की खूबसूरत तस्वीर को भी शेयर करती हुई नजर आती हैं। और नव्या का यही रिपीट, वहीं नव्या की तस्वीरें उनका लाइफस्टाइल बयां करता है कि वह कितनी आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। आप सभी ने देखा जाना मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा के बारे में। कई बार अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में रही, लेकिन इस वक्त वह काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं अपने इन फैसलों को लेकर, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर। जिस तरीके से वह एनजीओ पर ध्यान दे रही है और साथ ही साथ अपने पिता निखिल नंदा का हाथ बटा रही है उनके बिजनेस में, आप क्या कहते हैं नव्या के बारे में, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।